गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा बेटा, लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन डन हो चुका था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा देखिए, हमने कॉमन रूट्स की कंडीशन, दो कंडीशन देखी थी। फर्स्ट मेथड ये था कि कोफिशियंट ऑफ अल्फा स्क्वायर को इक्वल कर दो और कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। उससे मेरा अल्फा आ जाएगा, और अल्फा को अगर मैं वापस एक क्वेश्चन में पुट करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा तरीका था बेटा फॉर्मूला के थ्रू, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखिए कि दो इक्वेशन मुझे रखी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हैज कॉमन रूट, फाइंड इक्वेशन ऑफ देयर अनकॉमन रूट। बेटा पहले तो उसका मीनिंग समझिए। मीनिंग ये है कि दोनों जो मुझे इक्वेशन दे रखी हैं इनमें एक रूट कॉमन है, दैट इज अल्फा, ठीक है। तो अगर एक रूट कॉमन है तो दो रूट अनकॉमन बचे, एक तो बीटा बचा और एक गामा बचा। तो एग्जाम्पल चल रहा है कि मैं वो इक्वेशन निकालूं जो बीटा और गामा से बड़ी है। वी नीड टू फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा एंड डेल्टा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है बेटा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं क्या करूँ, कैंसिल आउट कर दूँ। बेटा जैसे ही मैं कैंसिल आउट करूँगा ये तो कट जाएगा, इधर से मुझे मिलेगा बी माइनस सी, इधर से मिलेगा सी माइनस ए सी माइनस बी। बेटा सी माइनस बी जब इधर जाएगा तो वापस हो जाएगा बी माइनस सी, दोनों कट गए, अल्फा बेटा मेरा बना गया, ठीक है ना। और बेटा मैंने आपसे कहा था जब भी हम फॉर्मेटेड यूज़ करेंगे तो जो भी मेरा अल्फा आएगा हम उसको वापस इक्वेशन में डालेंगे कंडीशन निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक्स इक्वल टू वन को बेटा वापस इक्वेशन में डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वन, एक कंडीशन आ गई, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अल्फा और इसकी इक्वेशन। इसका मतलब बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए देखिए अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा प्लस बी गामा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि भैया अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा मुझे दे रखा है वन, तो अल्फा इंटू बीटा सी है, तो बेटा बीटा कितना आ गया, सी आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू गामा बी है, तो बीटा गामा कितना आ गया, बी आ गया, तो गामा प्लस बीटा कितना होगा, बी प्लस सी होगा, और बी प्लस सी बीटा हमारा क्या निकला है, माइनस वन, तो बेटा ये हो गया माइनस वन। गामा इंटू भी कितना होगा, बी इंटू सी, तो बेटा मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी, हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एज कॉमन रूट ए एंड बी मुझे निकालना है। आपको मैं एक मिनट दे रहा हूँ, एक बार आप सोचिए और समझिए। एक मिनट है बेटा आपके पास सोचने के लिए। हाँ जी, चलिए एक मिनट बेटा मैंने आपको दिया। बेटा देखिए, पहली बात तो कॉमन रूट है, और बेटा फिर से अगर मैं देखूँ तो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल है कि नहीं है। हाँ जी, तो दोनों को घटा दूँ, ठीक है। बेटा एक चीज़ और मुझे आपको समझानी थी, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई होगी, तो शायद मैंने आपको कहा था कि बेटा मैं डी के बारे में आपसे बात करूँगा। किसके बारे में, इसी क्वेश्चन में कहा था बेटा मैं आपसे अगली क्लास में डी के बारे में बात करूंगा,
ठीक है, तो चलो डी के बारे में कुछ बात करते हैं। बेटा देखिए, मेरे पास डी के बारे में कंडीशंस क्या होती हैं, अगर हम डी के बारे में बात करें, जरा समझना कि भाई पहला केस होगा, तीन केस पॉसिबल हैं, डी इज लेस देन जीरो और डी इज ग्रेटर देन जीरो और डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अगर मेरा डी लेस देन जीरो आया, इसका मतलब क्या है बेटा, मेरे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। इमेजनरी के साथ बेटा और क्या होंगे बेटा, बेटा जो भी मेरे रूट्स होंगे बेटा वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। किसमें होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। मतलब अगर एक रूट मेरा ए प्लस आयोटा बी है तो बेटा दूसरे रूट को मजबूरन ए माइनस आयोटा बी होना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सर? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप इधर मतलब क्या है बेटा, मान लो मेरी कोई, मैंने दो इक्वेशन ले लिए आपके सामने, इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको दो इक्वेशन दे दी है, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और दूसरी मैंने दे दी है ए टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा ज्यादा हो गया ना, दो मिनट रुकिए, बेटा एग्जामिनर ने आपसे बोल दिया कि भैया दोनों इक्वेशन में वन रूट इज कॉमन। क्या बोल दिया, वन रूट इज कॉमन। ठीक है, तो मैंने कहा था बेटा अगर कभी भी आपको कोई एक इक्वेशन पूरी गिवन हो, मान लो आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है, मैं ए बी सी की जगह बेटा यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ जो मिली गिवन हो जाती है, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट, ठीक है, जैसे डाल दिया। तो बेटा अगर मैं इसका डी निकालूंगा तो उसका बेटा डी कितना आएगा, डी लेस देन जीरो आएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब 16 माइनस फोर इंटू एट 32, दैट इज माइनस 16 आया, ठीक है ना। अगर डी माइनस 16 आया बेटा, इसका मतलब जो भी मेरा रूट आएगा, जो भी मेरा रूट आएगा, अगर एक इनमें से एक रूट अगर मान लो मेरे पहला क्या आएगा, माइनस फोर प्लस माइनस फोर आयोटा आएगा, नहीं आएगा, अपॉन टू, तो इरेज कर देता हूँ तो टू से कट गया ये दोनों, ये हो गया मेरे पास टू, ठीक है, ये आएगा। अब बेटा देखो अगर मैं बोलता हूँ कि भैया इन दोनों में कोई एक रूट कॉमन है, ठीक है, मान लो इनमें से कोई भी एक रूट कॉमन हो गया, मान लो इसके अंदर मेरा जो कॉमन रूट है वो मान लो ये हो गया टू प्लस टू आयोटा, ठीक है, मान लो प्लस वाला रूट मेरा कॉमन हो गया, तो बेटा मैं जानता हूँ कि अगर इसका एक रूट ये होगा तो ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैंने कहा था कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रूट होंगे वो ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, मतलब अगर एक रूट ये है तो बेटा ऑटोमेटिक दूसरा रूट जो होगा वो बेटा इसका नेगेटिव वाला बन जाएगा। ध्यान रखिए क्या बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक इसका नेगेटिव वाला बन जाएगा। इसका मतलब अगर डी मेरा नेगेटिव है और एग्जामिनर मुझसे एक रूट कॉमन की बात बोलता है तो एक्चुअल में वो सिंगल रूट का क्वेश्चन नहीं है, वो है बेटा बोथ कॉमन रूट का क्वेश्चन। क्या समझ में आया, वो एक्चुअल में वन कॉमन रूट का क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत कॉमन रूट का क्वेश्चन है अगर मेरा डी नेगेटिव आ रहा है तो। क्यों, क्योंकि बेटा मेरे रूट्स ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। किसमें आएंगे, ऑलवेज ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। क्या समझ में आया, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में होने की वजह से बेटा क्या होगा, क्योंकि अगर एक भी मेरा सेम हो गया तो बेटा दूसरे को भी मजबूरन सेम होना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा ये बात, जैसे कि यहाँ पे क्लियर हुआ, नहीं हुआ, अगर मेरा डी नेगेटिव है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस की, अगर डी मेरा जीरो आ गया बेटा, डी जीरो आने पे दोनों रूट सेम, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, तो इसके बारे में कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है बेटा। जब मेरा डी ग्रेटर देन जीरो होगा बेटा, इसमें दो केस आएंगे। पहला केस, इसको छोटा सा काट के रख देते हैं, इसके बेटा दो केस आएंगे। पहला केस बेटा, जब मेरा डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, और जब बेटा मेरा डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है,
बेटा हम जानते हैं कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब जो भी मेरे पास अल्फा आएगा वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, आएगा नहीं आएगा? अब बेटा अगर मेरा डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल, ठीक है ना। अब बेटा फिर से मैं बोलूंगा, अगर मेरा डी इरेशनल तो बेटा मजबूरन मेरे दोनों रूट आएंगे बेटा, जो दोनों मेरे जो रूट आंसर आएंगे तो बेटा फिर से कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। किस में आएंगे? फिर से बेटा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और कॉन्जुगेट पेयर में आने का मतलब अगर एक भी मेरा सेम हुआ, इसका मतलब मजबूरन दोनों को ही सेम होना पड़ेगा। इट इज क्लियर टू ऑल? हाँ जी, मजबूरन दोनों को ही सेम होना पड़ेगा, तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेटा मतलब जो हमारी कंडीशन को, अगर मेरा डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर आया तो भी सिंगल रूट पे बोथ रूट सेम होगा, डी नेगेटिव आया तो भी बेटा सिंगल रूट में डी मेरा क्या आएगा तो भी सिंगल रूट में बेटा मुझे क्या मिलेगा, बोथ कॉमनिटी कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सिर्फ डी इज इक्वल टू जीरो और डी परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, मेरे पास सिंगल रूट वाली कंडीशन चलेगी। क्लियर? जैसे यहाँ पे डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर आया था तो बेटा मुझे सिंगल रूट कंडीशन वाली यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा ये काम, इसका काम कब होगा बेटा? तो सर हमने यहाँ पे तो निकाला ही नहीं। तो बेटा ये यूजफुल तभी होगा जब आपको दो में से कोई एक इक्वेशन आपके लिए गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बेटा दोनों में से मुझे एक इक्वेशन कम्प्लीटली गिवन है, तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए यूजफुल है। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो बेटा डी कितना आया, माइनस फोर, दैट इज इमेजनरी। इमेजनरी मतलब रूट कॉन्जुगेट पेयर में, इसका मतलब दोनों रूट्स को इक्वल होना पड़ेगा, और दोनों रूट्स इक्वल होते कंडीशन क्या लगेगी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो बेटा ये मुझे क्या मिला, 1 upon 1 is equal to minus 4 upon a is equal to 6 upon b। तो बेटा a मेरा आ गया minus 4, बेटा b मेरा आ गया 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, फिर से बेटा मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं भट गया तो पॉज करके कोई ट्राई करने वाला नहीं है। एक बार ट्राई करिए, एक मिनट दे रहा हूँ ओनली। चलिए बेटा क्वेश्चन, बेटा आपसे क्या बोल रहा है कि जो मुझे इक्वेशन दे रखी है इन दोनों का बेटा एक रूट कॉमन है, ठीक है ना। तो बेटा मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, ठीक है ना। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर। बेटा अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखो, क्योंकि फर्स्ट में तो थीटा मुझे निकालना है, बेटा अगर आप ध्यान से सेकेंड इक्वेशन को देखो बेटा, तो बेटा इसके सारे कोएफिशिएंट बेटा साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है। देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप चाहो तो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेटा यहाँ पे नेगेटिव में मिल गया, दोनों कट गए। इधर से क्या मिला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव में, तो बेटा ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव में मिला, फिर से कट गए। इधर बेटा मुझे बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव में, और बेटा इधर मुझे मिला बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव में, फिर से कट गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब साइक्लिक कोएफिशिएंट और बेटा एक्स मेरा क्या हो गया, 1। एग्जाम्पल और क्या बोल रहा है कि जो सेकंड इक्वेशन है बेटा उसके दोनों रूट इक्वल हैं, ठीक है। मतलब अगर इसका रूट एक मेरा रूट वन है तो, और दोनों रूट अगर इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे, मेरे वन हो जाएंगे। अगर दोनों रूट मेरे वन हो गए तो कॉमन रूट भी क्या जाएगा बेटा, ऑटोमेटिक बेटा कॉमन रूट को भी क्या जाना पड़ेगा, वन ही जाना पड़ेगा। कि आपको समझ में आया, कॉमन रूट को भी वन ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो बेटा मेरा कॉमन रूट निकल गया, मतलब मेरा अल्फा निकल गया, और मैंने कहा था अल्फा आपका निकल जाए तो कंडीशन के लिए अल्फा को वापस इक्वेशन में डाल दो। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे साइन निकालना है, तो अल्फा किस में डालूंगा, इसमें डालूंगा। हाँ जी बेटा, जैसे ही मैंने एक्स इसमें डाला तो मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
बेटा ये क्या हो गया, बेटा ये हो गया 2 sin θ - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, sin θ = 1/2, θ = 5/6 एंड 5/6, क्योंकि बेटा जो मेरा थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है बेटा, वो मुझे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन देखने में हार्ड था, होने में इजी था, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, वापस एक बार पढ़िए फिर से आंसर देखिए। सेम क्वेश्चन बेटा मैं आपको ऑलरेडी एक बार करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। अगर मेरे रूट्स इन्फिनिटी पे हों तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो होगा और बेटा सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, होगा नहीं होगा। इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस वन इज जीरो ये बोल रहा है, क्योंकि ए जीरो है और बेटा सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो बेटा ये बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा दोनों ही साथ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, पी बिलोंग्स टू पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा फिर से मजेदार है, एक बार आप ट्राई करिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, फिर मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, पढ़िए एक बार, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, समझिए कैसे करेंगे, एक बार सोचिए अपने आप ही। बेटा देखिए एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट बेटा वो इस इक्वेशन के रूट के डबल है, मतलब अगर इसका रूट अल्फा गामा है तो बेटा इसका रूट 2 α β है, क्योंकि एक इसका एक रूट इसका डबल है, ठीक है ना, इसका रूट है डबल किसके, इसके रूट्स के, तो बेटा ये हो गया 2 α, ये हो गया अल्फा। ठीक है, अब बेटा देखो मैंने कहा ना सेकेंड कंडीशन से बेटर फर्स्ट कंडीशन है, उस टाइम पे डेरिवेशन में आपको फर्स्ट कंडीशन हार्ड लग रही थी, अभी हमने प्रीवियस किसी भी क्वेश्चन में अपना सेकंड मेथड यूज़ नहीं किया। ठीक है, उसका बेटा रीज़न भी है कि सेकंड मेथड की लिमिटेशन है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे मेरा सेकंड मेथड फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट अगर मैं फर्स्ट मेथड से ट्राई करता हूँ तो बेटा इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा देखो फर्स्ट आप उसमें क्या किया था, हमने दोनों के कॉमन रूट्स को इक्वेशन में डाला था, अब बेटा यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं है बट कुछ रिलेशन है दोनों रूट्सों में, ये है 2 α, ये है अल्फा, तो मैं क्या करूंगा बेटा इन दोनों को इक्वेशन में डाल दूंगा, इसको इसकी इक्वेशन में और इसको इसकी इक्वेशन में, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, बेटा मुझे मिलेगा 4α² - 2α + 3a = 0, α² - α + a = 0। फिर मैंने क्या कहा था बेटा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को इक्वल कर लो, कैसे होगा बेटा इस इक्वेशन का, बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे कितना मिल गया 4α² - 4α + 4a, इसको वापस लिख दिया, दोनों को काट दिया, इधर ऐड कर दिया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया 2α = a, मिला कि नहीं मिला? हाँ जी हाँ बेटा, ठीक है ना। अब बेटा देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी मेरा अल्फा निकले उसको बेटा वापस इक्वेशन में पुट कर दो, तो अल्फा बेटा मेरे पास कितना आ गया 3/2, कंडीशन निकालने के लिए अगर बेटा मैं अल्फा 3/2 वापस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, देखिए मुझे मिल जाएगा 2 + a = 0, बेटा एक क्वेश्चन निकालो फैक्टर करो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे मैंने एक ही जगह 2α पुट कर दिया, ऐसे अल्फा निकाल लिया है, अल्फा निकाल के फिर ए निकाला है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सिंपल सी बात है ए निकालना है तो कुछ भी डाल दो, क्योंकि यहाँ पे ए अकेला दे रखा है, बाकी दोनों अल्फा हैं, सब्स्टिट्यूट करना नहीं पड़ेगा, तो ए इक्वल टू अल्फा डाल दिया तो ये आ गया अल्फा कॉमन आ गया, एक आया अल्फा को 0, एक आया अल्फा मेरा -1, अल्फा 0 को जीरो करूंगा नहीं क्योंकि अल्फा 0 होने पे ए मेरा 0 हो जाएगा। हाँ जी सर, ए 0 सिर्फ क्या होगा बेटा, ए 0 से दोनों इक्वेशन में बेटा मेरे पास सिर्फ ये हिस्सा बचेगा, इसका मतलब दोनों के रूट्स मेरे सेम आ जाएंगे ना कि डबल, ठीक है ना, तो ए 0 कंसिडर होगा नहीं, ए मेरा -2 कंसिडर हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया a = -2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा एक्स क्यू प्लस 2α² + px + q = 0, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो हैव टू कॉमन रूट, फाइंड इक्वेशन ऑफ अनकॉमन रूट। बेटा जरा समझना एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई दोनों के दो रूट्स कॉमन है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, तो जो बेटा इनकी अनकॉमन रूट्स है बेटा उनकी बेटा मुझे क्या निकालनी है,
इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? अनकॉमन रूट्स की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया? ठीक है बेटा, देखिए अब फिर से पंगा सर, आपने तो क्वाड्रेटिक की बात की थी, यहाँ पे तो क्यूबिक दे दी, ठीक है ना। तो बेटा एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। पंगा कब होगा? कि जब क्यूबिक और एक क्वाड्रेटिक दे देगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दे दे तो आप कैसे करोगे बेटा? आप क्वाड्रेटिक का एक्स से मल्टीप्लाई करके उसको क्यूबिक में कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। और उसके बाद फिर से काटाबेटी करोगे, आपका आंसर आएगा। क्लियर? आपको याद है कि जब आपने उसको मतलब इक्वेशन को काटापिटी किया था, जब मेरे दो इक्वेशन मान लो किधर है, आपको याद बताता हूँ कि भाई दो मिनट रुकिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर भाई मेरे पास जब दो इक्वेशन थी, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, याद है? इसका हमने ए टू से मल्टीप्लाई किया था, इसका ए वन से मल्टीप्लाई किया था, और मल्टीप्लाई करके काटापिटी करके हमने एक्स क्या निकाल लिया था, एक्स निकाल लिया था। और बेटा जो ये एक्स आया था वो क्या था? वो एक्चुअल में अल्फा था दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। क्या था? अल्फा जो दोनों में क्या था? कॉमन सॉल्यूशन था। तो बेटा सेम बात ये, जब मैं क्यूबिक को काटूंगा ना, जब मैं क्यूबिक में काटापिटी करूंगा, तो बेटा जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगी ना, वो होगी जो कि दोनों में कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे क्या निकला था? अल्फा जो दोनों का सॉल्यूशन, दोनों में कॉमन है। तो बेटा जहाँ पे जो मेरे पास नई इक्वेशन आएगी ना बची हुई, उसके वो रूट्स होंगे जो दोनों में कॉमन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा, देखो ये कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू माइनस आर बचेगा। और बेटा इसके दो रूट्स कौन कौन से होंगे? अल्फा बीटा, जो दोनों में कॉमन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया बेटा? यहाँ से मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। ठीक है, अब चलते हैं क्यूबिक के ऊपर। बेटा ध्यान रखिएगा, ये हमारी थ्योरी ऑफ इक्वेशन थोड़ा आगे आने वाला है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि अगर कभी भी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा माइनस b बाई ए होता है। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा c बाई ए होता है, और अल्फा बीटा गामा बीटा माइनस d बाई ए होता है। ठीक है, इसके बारे में बेटा डीपली हम आगे बात करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन नाम से टॉपिक आएगा पर्टिकुलरली। ठीक है, तब हम बात करेंगे। अब देखो हमें क्या मिला बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मतलब इस इक्वेशन में माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी मतलब माइनस टू अपॉन वन, तो बेटा ये माइनस टू अपॉन वन मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिला हुआ है बेटा इधर से? जीरो। गामा कितना आ गया बेटा मेरे पास? माइनस टू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा मुझे कितना मिलेगा? माइनस बी बाई ए। इसमें माइनस बी कितना होगा? माइनस वन। तो ये आ गया माइनस वन। फिर से बेटा अल्फा बीटा कितना मिला हुआ है? ये तो बेटा ये कितना आ गया? माइनस वन। अब इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा। बेटा दोनों की वैल्यू मुझे गिवन है, माइनस टू माइनस वन। ऐड करने पर मुझे मिला माइनस थ्री। ऐड पे कितना मिला मुझे? माइनस थ्री। इसको माइनस थ्री कर लो, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस थ्री एक्स हो गया। और बेटा यहाँ से मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा बेटा? मल्टीप्लाई करने पे बेटा मुझे मिलेगा माइनस का प्लस का टू। अरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है। ठीक है, सही कर लीजिएगा, मुझे कितना मिलेगा? प्लस का टू। तो बेटा मेरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी, ये कौन सी क्वेश्चन है? अनइक्वल रूट्स की इक्वेशन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है फाइंड कंडीशन सच दैट एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कराएंगे, एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस का हो जाता है। वो मुझे लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पाथ सेंटर ओरिजिन, बेटा ये चीज़ आपने कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है ना, ये आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका काफ़ी हैवी कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता तो मैं आपको बता के निकल जाता, ठीक है ना, बट ये कम्प्लीटली उस पर ही बेस्ड है। ठीक है, इसलिए बेटा इसको हम अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा जब आप स्ट्रेट लाइन एक बार पढ़ लो, उसके बाद अगर जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर नहीं आए तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर, क्योंकि बेटा से पूरा कॉन्सेप्ट बेटा उसी का लगा हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो पहली बात तो बेटा क्या होता है,
एफ एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वेशन क्या होती है बेटा, बेटा मैं आपको ए एक्स उसको है प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा बेटा, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ओनली एक्स है, ओनली वाई है, और एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन और कॉन्स्टेंट भी है, मतलब एक्स वाई को लेकर जितने पॉसिबल पेयर हो सकता है सब बेटा हमने ले लिया, ठीक है। ये जो इक्वेशन होती है बेटा ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है, किसको बेटा कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है, और पेयर ऑफ फ्रेंड्स को पेयर ऑफ स्टेडलैंड को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ये नहीं इसी के केसेस हो जाते हैं, जैसे पेयर ऑफ स्टेडलैंड में क्या होता है ये कुछ टर्म लास्ट के जीरो हो जाते हैं कई बार, ठीक है। कॉनिक में हम डेल्टा निकालते हैं एक, वो डेल्टा जीरो होता है तो कॉनिक में, वो डेल्टा जीरो होता है तो पेयर ऑफ स्टेडलैंड होती है, और डेल्टा जीरो नहीं होता तो कॉनिक होती है, ठीक है। और बेटा वो आगे आएंगे आपके आगे चैप्टर्स में, ठीक है। अभी तो हम जो इतना पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना, और इस पे बेस जो हमारे क्वालिटी के क्वेश्चन हैं वो कैसे बनेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग है रिजॉल्विंग ऑफ एक्स वाई इंटू टू लीनियर फैक्टर, इंटू टू लीनियर फैक्टर मतलब क्या हम इस इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था दो लीनियर फैक्टर का मतलब दो स्ट्रेट लाइन, हम जानते हैं स्ट्रेट एक स्ट्रेट क्या होता है, अगर मैं कोई इक्वेशन बोलता हूँ सिंपल सी लीनियर, जैसे एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू मान लो मैंने थ्री बोलते हैं, एक्चुअल में क्या है बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हाँ तो मैंने कहा था पेयर ऑफ स्ट्रेट को भी रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, मतलब एक्चुअल में इसमें दो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, ठीक है। बट बेटा वो तभी पॉसिबल है जब बेटा मेरा डेल्टा जीरो हो, क्या जीरो हो, डेल्टा जीरो हो। अब डेल्टा जीरो क्या होता है बेटा, बेटा डेल्टा मेरे पास होता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, बेटा ये होता है मेरा डेल्टा। ध्यान रखिएगा बेटा अगर ये डेल्टा मेरा जीरो है तो बेटा जो भी मेरी इक्वेशन होगी मैं उसको पेयर ऑफ स्ट्रैंड के फॉर्म में दो स्ट्रैंड के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। बट अगर डेल्टा मेरा जीरो नहीं हुआ तो बेटा मैं इसको स्प्लिट अप नहीं कर सकता। सर ये डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट क्या आया बेटा, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बेसिक की बात करें, ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिए कभी भी अगर ऐसी क्वेश्चन आपके सामने आती है तो आपको इसको y के अंदर क्वाड्रेटिक बनाने की बनानी है, y के अंदर क्वाड्रेटिक बनानी है। तो बेटा अगर मैं इसको y के अंदर क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो बी वाई स्क्वायर फिर y का कब है बेटा, एक वाई ये रहा एक वाई ये रहा, दोनों में से y कॉमन ले लिया, मुझे क्या मिला टू एच एक्स प्लस टू एफ, ठीक है ना। बाकी जो भी है बेटा वो ऐसे क्या होगा बेटा, एज ए कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि मैंने कहा था क्वाड्रेटिक y में बन रही है तो ये कॉन्स्टेंट होगा, मुगर नहीं होगा, क्लियर। हाँ जी, तो बेटा मुझे इसको y को निकालने के लिए अगर y की वैल्यू निकालूं तो y कितना आएगा, माइनस बी हो गया प्लस माइनस रूट डी, रूट डी कितना होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए फोर इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन टू। तो बेटा ये आ गया मेरा भाई, ठीक है, ये बेटा बेसिक है, इससे हमको अभी यूज़ नहीं करना, क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में जो बेटा मेरे पास ये डेल्टा है ना, डेल्टा ये बेटा इसी के थ्रू निकला है, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये जो हमने डेल्टा निकाला है बेटा वो इसी के थ्रू निकाला है, डेल्टा एक्चुअल में होता है जो हमारा जो ध्यान से डी निकलेगा ना, डी होता है जो, हाँ जी डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसके लिए डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास ये कंडीशन आती है, क्लियर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया बेटा, अगली क्लास होगी तो हम इसके क्वेश्चंस पे करेंगे, अभी आप ध्यान ना दें इन चीज़ों पे ज़्यादा, मैं क्वेश्चन आपको जब समझाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा तो बेटा आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, ठीक है ना। आपकी अगली क्लास जो भी होगी बेटा वहाँ से हम क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, और कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा बाय।